स्टूडेंट्स, आपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अभी तक पढ़ा डिसीजेज के बारे में कि प्लांट को कितनी डिसीजेज, प्लांट के अंदर कितनी डिसीजेज होती हैं, प्लांट को कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डिसीजेज हमने वायरल डिसीज़, फंगल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीजेज, है ना। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था वायरल डिसीजेज, और वायरल डिसीजेज में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा डिसीज़ था TMV, टोबैको मोजाइक वायरस डिसीज़, जो टबैको को डिसीज़ कॉज कर रहा था, जो बहुत कमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्लांट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट लास्ट टर्न पे आपने TMV के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे टोबैको को इन्फेक्ट करता है। आज हम वायरल डिसीज़ के ही पार्ट में करेंगे कुकम्बर मोजाइक डिसीज़। कुकम्बर मोजाइक डिसीज़ भी किसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है? कुकम्बर मोजाइक वायरस के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, जिसको कि हम CMV भी कहते हैं। कुकम्बर मोजाइक डिसीज़ क्या होता है? दिस डिसीज़ इज़ नोन टू अकर वर्ल्ड वाइड इन बोथ टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन। आपको पता है कुकम्बर भी इम्पॉर्टेंट है, सैलेड में आप खूब खाते हो कुकम्बर, खीरा, है ना। तो खीरे में, खीरा टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन सब जगह मिलता है, पूरे इंडिया में कुकम्बर मिलता है। तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में डिसीज़ का मिलना है, मिलती है डिसीज़। द वायरस वॉज फर्स्ट फाउंड इन कुकरबिट्स। जितने भी कुकरबिटा फैमिली के मेम्बर्स होंगे उसमें ये डिसीज़ मिली है, वायरस पाया गया है। और क्या करता है? शोइंग मोजाइक सिम्टम्स। छक्के छक्के से आपने देखे थे ना लास्ट TMV पे, कि आपने टोबैको की लीव्स पर छत्ते छत्ते से बना देता है उसको, उसमें विल्टिंग हो जाती है, श्रिंकेज हो जाता है लीव का, मोजाइक बन जाते हैं। एंड सिंस देन इट इज़ कॉल्ड कुकम्बर मोजाइक। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कुकम्बर मोजाइक। द कुकम्बर मोजाइक वायरस हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ होस्ट। इसके पास इतना ज़्यादा होस्ट का है, इसके पास कुकरबिटा फैमिली के सभी मेंबर्स इसके होस्ट प्लांट कहलाते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? कुकम्बर मोजाइक वायरस। होस्ट प्लांट क्या होते हैं? कुकरबिट्स। और अभी हम कुकरबिट्स में किसके ऊपर डिसीज़ पढ़ रहे हैं? कुकम्बर के ऊपर, कुकम्बर मोजाइक डिसीज़। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। CMV किसको कॉज करता है? कुकरबिट्स को। कुकरबिट्स में आज हम पढ़ रहे हैं कुकम्बर मोजाइक डिसीज़, पर्टिकुलर एक प्लांट के ऊपर, कुकम्बर मोजाइक डिसीज़। ठीक है। इट अटैक अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्पीसीज ऑफ 100 फैमिलीज एंड कॉजेज सिग्निफिकेंट लॉसेज इन मैनी वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सिम्टम्स इसमें हम चार कैटेगरी पढ़ते हैं, क्या चार स्टेप में हम इस डिसीज़ को पढ़ते हैं? सिम्टम्स, एटियोलॉजी, डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स। कोई डिसीज़ होती है तो उसका पहले क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं, क्या उसकी एटियोलॉजी है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म उसके कौन से हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसीज़ साइकिल, कि वो उसकी साइकिल कैसे होस्ट प्लांट के अंदर चलती है, जिसको हम, यदि हमें डिसीज़ साइकिल नहीं पता होगी, उसकी लाइफ साइकिल नहीं पता होगी, तो हम उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसका कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप पढ़ते हैं कंट्रोल मेजर्स, कि उसको हम डिसीज़ को कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिम्टम्स। फर्स्ट स्टेप इज सिम्टम्स। सिम्टम अकर व्हेन द प्लांट आर अबाउट 6 week old। कब दिखते हैं? जब 6 week old हो जाता है प्लांट एंड ग्रोइंग वेगरसली, और जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। सीडलिंग आर सेल्डम अटैक्ड। 4 to 5 days after infection, the young leaf become mottled, distorted, wrinkled, and then edges begin to curl downward, forming rosette-like clump near the ground. एक गुलदस्ते की तरह इकट्ठा होने लगते हैं, उसके जो sides हैं, margins हैं, वो fold होने लगते हैं। आपने tobacco में भी पढ़ा था कि leaves shrink होने लगती हैं। Older leaves develop chlorotic and then necrotic areas along the margins, which spread laterally over the entire leaf. Fruit develop pale green or white areas intermingled with the green bumpy areas, यानी कि white pickle जिसको बोलते हैं,
Infected fruits are oddly shaped and appear grey. They often have bitter taste and after picking become soft and spongy. इसके symptoms हुए. फिर आते हैं हम etiology पर. Causal organism क्या है? Kukumo virus. ठीक है. It is a linear positive sense single stranded RNA होता है इसमें. Virus है stranded. TMV में आपने पढ़ाई है कि इसमें single stranded RNA होता है और protein units होती हैं. The CMV genome consists of three viral strands, messenger, sense RNA molecules, designed as RNA 1, RNA 2 and RNA 3. Each RNA is enclosed with a protective protein coat, with each being a distinct single spherical shaped particle. आपने इसका structure study कर रखा है बहुत अच्छे से. फिर आते हैं हम next step पे. डिसीज साइकिल कि उसका डिसीज साइकिल क्या होता है. कुकम्बर मोजाइक वायरस का. नॉट कुकम्बर. हम डिसीज साइकिल किसकी पढ़ेंगे? कुकम्बर मोजाइक वायरस की. नॉट इन कुकम्बर. कुकरबिट्स की हम लाइफ साइकिल नहीं पढ़ रहे. हम कुकम्बर मोजाइक वायरस की डिसीज साइकिल पढ़ेंगे. पेरिनियल बाइनियल एंड एनुअल वीड हार्बर सीएमवी इन रूट्स ट्यूबर्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स. कहाँ मिलता है? रूट्स में ट्यूबर्स में अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है. दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशंस. ये वायरस का ट्रांसमिशन होने के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं. द वायरस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स टू हेल्दी प्लांट्स बाय मैकेनिकल मैथड्स सैप सीड्स क्लोथ्स एंड हैंड्स ऑफ द वर्कर. इट एंटर्स द होस्ट सेल एंड रेप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. ये होस्ट सेल में एंटर कर जाता है और रेप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. वायरस का आपको पता ही है, वायरस मीन्स वायरॉन, वायरॉन मीन्स पॉइजन. तो वायरस का मीनिंग ही पॉइजन है. ये किसी भी केस में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता. वायरॉन, वायरस मीनिंग वायरॉन. ठीक है, वायरॉन मीन्स पॉइजन. तो इस पॉइजन से बचने के लिए सबसे ज़्यादा मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सैनिटाइजेशन. सबसे पहला हैंड वॉश आप कोई भी प्लांटिंग में करते हैं, कुकम्बर फील्ड में या किसी भी प्लांट के फील्ड में आप जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने को सैनिटाइज करना होता है. आप सबसे बड़े मैसेंजर हैं किसी भी इन्फेक्शन को वन टू अदर कैरी करने के लिए. द मूवमेंट थ्रू सेल टू सेल अकर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा और फ्लोएम. राइट. नेक्स्ट कंट्रोल मेजर्स. आपने पढ़ा कि इसमें कैसे डिसीज साइकिल कॉज होती है, एक से दूसरे में कैसे जा रही है. मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू जा रही है, सीड्स के थ्रू जा रही है, क्लोथ्स के थ्रू एंड हैंड्स ऑफ द वर्कर्स. है ना, तो हमें प्रिवेंशन के लिए भी इन चारों मैटर्स पे काम करना पड़ेगा. कंट्रोल मेजर्स. डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस इन कुकम्बर स्पीसीज. जेनेटिक रेजिस्टेंस हमको उसका सीड्स सर्च करने पड़ेंगे जो रेजिस्टेंस हों. डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स को हमें ग्रो करना पड़ेगा. जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना पीरियड में तो हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम. जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो सर्वाइव कर जाएगा, वो फाइट करेगा कोरोना से और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी उसको इन्फेक्शन उसको इफेक्ट नहीं कर सकता. इसी तरह रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि सीड जो रेजिस्टेंट होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंट सीड होते हैं, उसका इतना स्ट्रांग होता है कि उस पर ये डिसीज़ अपना इफेक्ट नहीं कर पाती. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस इन कुकम्बर स्पीसीज. नेक्स्ट इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड पेरिनियल वीड्स. नेक्स्ट आपने पढ़ा भी था कि डिसीज साइकिल में कि किसके थ्रू हो रहा है, सीड्स के थ्रू हो रहा था, मैकेनिकल मेथड्स के और प्लांट्स के थ्रू भी हो रहा था. तो इसमें क्या है, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं हमारे फील्ड में उसको हम पहले उसका डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको हटा देंगे वहाँ से, कटिंग करा देंगे उसकी. तो जब इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट से पहले पहुँचने से पहले हम इन्फेक्टेड प्लांट्स को, जैसे ही आपको नज़र आया कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इन्फेक्टेड प्लांट्स को आप वहाँ से हटाएंगे. और पेरिनियल वीड्स, क्योंकि वीड्स के थ्रू हो रहा है आपने पढ़ा, तो जो उसमें वीड्स खरपतवार होती हैं उनको भी हटा देंगे. ठीक है. थर्ड है यूजिंग ट्रैप क्रॉप मेथड. ट्रैप क्रॉप मेथड क्या होता है, ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेराइटी
around the perimeter of the field and to place the susceptible plants in the middle. Next, use of insecticides to control the disease. Next, crop rotation. क्रॉप रोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये फील्ड में, जो हमारे फार्मर्स हैं यूज़ करते हैं क्रॉप रोटेशन को, और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ भी करते हैं. ट्रैप क्रॉप मेथड शायद उनको ना मालूम हो, ग्रोइंग रेजिस्टेंस वेराइटी वो भी करना शुरू हो गया है अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड टू प्लेस द ससेप्टिबल प्लांट्स इन द मिडल. ठीक है, जो रेजिस्टेंट वेराइटी होती है उसको तो फील्ड के चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं उनसे, और बीच में थोड़ा सा जिस पे भी डाउट रहता है ससेप्टिबल प्लांट्स इन द मिडल, बीच में हम थोड़ा सा भी डाउटेड प्लांट्स को लगाते हैं. ठीक है, इस तरह हम कुकम्बर मोजाइक डिसीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना प्लांट ग्रोइंग अच्छे से कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.